हमारा एक प्रश्न ये है कि मैं रास्ते में आ रहा था, एक जगह मैंने देखा कि 5 कुएं खुदे हुए हैं और 5ों में जब मैंने नाप तौल किया, गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई एक बराबर, और बीच वाले कुएं में जब पानी उबाल मारता है तो ये चारों कुएं भर जाता है। फिर चारों कुएं उबाल मारते हैं, बीच वाला आधा भी नहीं भरता है। ये समझ में नहीं आया, जब गहराई बराबर, चौड़ाई बराबर, तो एक 5ों को भर दे रहा है और 5 मिलके एक क्यों नहीं भर पा रहे हैं। बोले राजन, यही कलयुग की विडंबना है। कलयुग में एक माता पिता 4 बच्चों का जीवन पालन कर देगा, लेकिन 4 मिलकर उस एक कुएं को नहीं भर पाएंगे। 4 मिलकर उस एक को रोटी नहीं दे सकते हैं, वो एक अकेला 4ों को खिला सकता है। और बोलो, बोले इस भवाटवी के चक्र में जीव कैसे फंसता है। तो एक जगह बाजार लगा था, आप लोग कभी बाजार गए, दुनिया बाजार, उसमें नहीं गए होंगे, ये दुनिया का बाजार है। इस बाजार का नियम क्या है, इसमें नियम ये है कि अजब का ये संसार, यहां पर कोई किसी का सगा नहीं और फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते, सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, और अपना बनाकर अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं, और फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। ये ऐसा दुनिया का बाजार है। एक बच्चा तो मिठाई वाले की दुकान पे गया और मिठाई वाले से कह रहा था, भाई साहब दुनिया दे दो। आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, मैनपुरी, इटावा, फरकाबाद, मिठाई वाले की दुकान पे क्या बोलते, दुनिया ही बोलते। बड़ा साइज हो तो दो ना, और छोटा हो दुनिया। अब बच्चा तो बच्चा कह रहे थे, भाई साहब दुनिया दे दो। तो वो दुकानदार कह रहे थे, जाओ जाओ दुनिया कहीं बिकती है। उसने कहा, बिकती नहीं है तो रखे किस लिए हो। बच्चा भी तो बच्चे, जब बिकती नहीं है तो रखते क्यों हो। उसने कहा, इसलिए रखा है कि कोई मिठाई खरीदे तो दुनिया जरूर देंगे। उसने कहा, तो 100 ग्राम मिठाई दे दो। 100 ग्राम मिठाई खरीदी, उसने फ्री में दुनिया को पीछे लगा दिया और पीछे से दुनिया फ्री में चली आई। तो मैं यही कहने आया हूं वृंदावन में कि आप दुनिया खरीदने में समय बर्बाद मत करिए, आप तो राम नाम की मिठाई खरीद लो, दुनिया फ्री में पीछे पागल हो जाएगी। आप दुनिया क्यों खरीद रहे हो साहब, राम नाम की मिठाई खरीद लो।